खबर हरियाणा प्रदेश की शान चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहादुरगढ़ से दीपक सैनी के साथ प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट में बहादुरगढ़ शहर में 10 दिसंबर सोमवार को पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने अपने कार्यालय पर एक पत्रकार मीटिंग बुलाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ने बताया कि नगर परिषद बहादुरगढ़ देश की पहली ऐसी नगर परिषद है जहां कांग्रेस भाजपा का गठबंधन है और यह गठबंधन विकास भाईचारे व अमन के लिए नहीं बल्कि पार्षदों को डराने धमकाने एवं नगर परिषद के पैसों का दुरुपयोग करके घोटाले व भ्रष्टाचार फैलाने के लिए है। क्योंकि जिस तरह का व्यवहार 7 दिसंबर की मीटिंग में अनुसूचित जाति के पार्षद के साथ किया गया उसकी जितनी निंदा व भर्त्सना की जाए उतनी कम है। पूर्व विधायक ने बताया कि 1875 में नगर पालिका बनी थी लेकिन आज तक इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। नगर परिषद में कांग्रेस भाजपा गठबंधन की वजह से ऐसी नगर परिषद है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। कांग्रेस की चेयरपर्सन है, भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, दोनों मिलकर के चला रहे हैं और ये गठबंधन विकास के लिए नहीं है, ये शांति भाईचारे के लिए भी नहीं है, ये लूट के लिए गठबंधन है। इस तरह से पार्षदों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, हथियारों के बल पर चुप कराया जाता है। ऐसा ही एक काम पिछले साल भी हुआ था और ऐसा ही 7 तारीख को हुआ है, 7 तारीख की मीटिंग में, कि किस तरह से विधायक जी के साथ आए हुए हथियारबंद लोगों ने सुने हुए पार्षदों को धमकाने का काम किया नगर परिषद मीटिंग हॉल में जाकर, जो कि निंदनीय है। स्थानीय विधायक का व्यवहार भी अच्छा नहीं रहा और वो भी पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज का काम करते हैं, जो कि निंदनीय काम है। सरकार 2-3 महीने की मेहमान है, उसके बाद ये लूट मचाने वाले लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, वो तो खुद छोड़ करके भाग जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ अनेक तरह के मुकदमे दर्ज होंगे और वो मुकदमे केवल भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होंगे, कोई बदले की भावना से नहीं होंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो सर ये जितने भी घोटाले चले हुए इनके खिलाफ अगर इन लोग आती है तो क्या इंक्वायरी, इनके खिलाफ जांच होगी और जो जांच रिपोर्ट आएगी सबसे पहले तो उसी में लपेटे में आ जाएंगे सारे के सारे। जो 100-125 करोड़ रुपए की जमीन सरकारी जमीन पर कब्जे इन्होंने करा दिए, नगर परिषद ने उनके नक्शे पास कर दिए और नक्शे रद्द होने के बावजूद भी तामीर जारी रही और अब भी उन अधिकारियों के कर्मचारियों के खिलाफ नगर परिषद चेयरपर्सन क्यों नहीं कार्रवाई करती, स्थानीय विधायक क्यों नहीं कार्रवाई करते, सरकार क्यों सो रही है। ऐसे इनके जो नॉमिनेट पार्षद हैं वो गरीब लोगों को पीटने का काम करते हैं, सफाई कर्मचारियों को पीटते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी परंपरा नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं।